Cristo Jesus. Está elevado, Pita Parmeshwar. Tena Tuki Hoy Yeshua. Tena. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद ते पिता परमेश्वर, तेरे नाम की आराधना करते हैं यीशु राजा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आप आनंदित हैं प्रभु की आराधना करने के लिए? आनंदित हैं? आइए खड़े हो जाएंगे प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की महिमा. Hallelujah. Oh, just enough.
धन्यवाद के साथ स्तुति।
सराहना करें, ताली बजाकर हालेलुया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। धन्यवाद।
8 से लेकर 9 तक हम सभा करेंगे, क्योंकि पहले से ही दिल्ली शहर में समस्याएं हैं आप जानते हैं, और इसलिए मैं चाह रहा था कि कुछ समय के लिए, है ना, मुश्किल से 15 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन से मनन करें, और प्रभु का वचन जो है हमें दिलासा और शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेगा। हालेलुया, जोर से बोलो यार, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है। प्रियो, ये वर्ष जब शुरू हुआ है ना, ये जो वर्ष, इस वर्ष में जब हमने प्रवेश किया, तो ये जो वर्ष है वो एक बहुत अहम वर्ष है। जब मैं प्रभु की उपस्थिति में इंतजार कर रहा था, जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तेरे लोगों को क्या वचन की आवश्यकता है, क्या तेरे लोगों को क्या तैयारी की आवश्यकता है, हमें से कितने लोगों ने 31 की रात को ऑनलाइन जुड़कर आराधना में भाग लिया? कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे 31 की रात को ऑनलाइन सभा में जुड़कर जिन्होंने भाग लिया? कोई नहीं, अच्छा ओके। मैंने कहा कि चर्च ऑनलाइन होगा, आप जुड़ नहीं पाए, ओके। आप फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, कैलवरी मिनिस्ट्रीज डेली, उसी के द्वारा हमारे प्रिय भाई बहन 12-13 लोग जुड़े हैं और उन्हें सब्सक्राइब किया है, उनके पास नोटिफिकेशन बेल आती है और एकदम से सॉरी नोटिफिकेशन आई सर, अच्छा ओके, फेसबुक पे चेक कीजिए, आप अपने फॉलोइंग भी किया हुआ उसको लाइक करके फॉलो भी कीजिए, फेसबुक पे फॉलो करिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल पाए। आज सुबह की भी हमने 6:30 बजे की प्रार्थना फिर से शुरू करी, और अब ये 8:00 बजे की सभा जो है हमारी दूसरी सभा है, और मेन सभा ऑनलाइन जो सर्विस होने वाली है 10 बजे होने वाली है, उसमें भी आप सबका स्वागत है। खैर, आइए प्रभु के वचन की ओर हम चलेंगे, प्रभु के वचन से हम सीखेंगे। जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जी इस वर्ष तू अपने लोगों से क्या कहना चाहता है, इस वर्ष क्या विशेष तूने अपने लोगों के लिए रखा है, तो प्रभु का वचन जो है वो बहुत ही सीधे तौर पे मेरे पास आता है, कहता है कि मेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार हो। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में चाहे हमने कुछ अचीव किया, कुछ पाया या कुछ ग्रहण किया, बड़ी बात है या छोटी बात है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर हमने स्वर्ग खो दिया तो ये बहुत ही दुख की बात है। हालेलुया। हाँ, हमें, हम स्वर्ग को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें स्वर्ग जाना ही है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को लेके जाने वाले हैं, और अगर हमें दूसरों को लेके जाना है तो हमें अपने आप को कितना ज्यादा परमेश्वर के वचन के साथ लाइन में लेके आना पड़ेगा। गाड़ी में हम कहते हैं 4 पहियों की क्या होती है, अलाइनमेंट, ताकि गाड़ी जो है अगर सीधा स्टीयरिंग है तो वो सीधी जाती रहे। उसी प्रकार से हमें वचन के साथ अपने आप को अलाइन करना है, वचन के साथ अपने आप को सीधा जोड़ना है। कम से कम आज जो है 4 बातों को आपके साथ में बांटना चाहूंगा। यीशु मसीह जब इस संसार में उसने कोड़े खाए, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मारा गया और वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर से वो मुर्दों में से जी उठा। कोई नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ यीशु के साथ ऐसा हुआ। बोलेंगे हालेलुया, सिर्फ यीशु के साथ ऐसा हुआ। और जब यीशु के साथ ऐसा होता है प्रिय, उसके बाद हम पाते हैं क्या हुआ कि वो जब जी उठा 40 दिन वो अपने चेलों के साथ रहा, और उसके बाद फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया। दो स्वर्गदूत वहां पे आते और कहते हैं कि जिस यीशु को तुमने स्वर्ग में उठाए जाते हुए देखा वो वैसे ही फिर से आने वाला है, और आकर तुम्हें भी अपने संग ले जाने वाला है। हालेलुया। एक ऐसे यीशु की हम उपासना करते हैं प्रियो, एक ऐसे यीशु की हम आराधना करते हैं। पहली बात, यीशु मसीह का जब आगमन होगा वो शारीरिक आगमन होगा। लिख सकते हैं, यीशु मसीह का आगमन जो होगा वो शारीरिक आगमन होगा। प्रियो, आपके जीवन में आप सोच सकते हैं कि मैं अपने शरीर पर मन लगाता हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो यीशु मसीह का जो आगमन है वो शारीरिक आगमन है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से फिर से जी उठा, चेले विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि यही यीशु मसीह है। यीशु को बोलना पड़ा, आओ मेरे हाथ के घाव को परखो, पसली पे जो भाला मारा गया उस घाव को परखो। और चेलों ने किया भी प्रियो, चेलों ने किया भी, यीशु को परखा गया। और यही यीशु उसी प्रकार से आने वाला है। सिर्फ यीशु शारीरिक तौर से नहीं आने वाला, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं
करता हूं जो मसीह में सो गए हैं। मतलब आपस की भाषा में हम कहते हैं मसीह में सो गए, लेकिन दूसरी भाषा में अगर कहा जाए कि जो लोग मर गए हैं, है ना, जो लोग स्वर्ग चले गए हैं, परमेश्वर को प्यारे हो गए हैं, वही लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो सो गए हैं, मसीह में सो गए हैं, उनकी कब्रें भी खुल जाएंगी और वे भी अपने शरीर के साथ उठ जाएंगे, प्रभु का वचन कहता है। ना बड़े सोचने विचारने वाली बात है कि मनुष्य जो मरकर समुद्र में फेंके गए, जिनको जला दिया गया, या ऐसे भी कुछ शरीर है, बोलना नहीं चाहिए, जिनके जिन शरीर के पर खच्चे उड़ गए, ऐसे शरीर जो कब्र में है वे सब जलाए जाएंगे, कब्रें खुल जाएंगी और उस यीशु मसीह के आगमन के दिन सब अपने शारीरिक तौर से जीवित रहेंगे प्रियो। और उसके बाद फिर हम जो यीशु पे विश्वास करते हैं, फिर हम स्वर्ग उठा लिए जाएंगे और फिर वहां स्वर्ग में ये मिट्टी का शरीर नहीं लेकिन स्वर्गीय शरीर हमें प्राप्त होगा। हालेलुया। अब बात जो मिट्टी की है वो ये है, आज हम अपने शरीर पर कितना ध्यान लगाते हैं। हाँ, ना जरूरी जो ना जरूरी चीजें हैं उनको हमें करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसका ख्याल रखना हमें बहुत जरूरी है ना। लेकिन उसी के साथ साथ हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को सबसे पहले आत्मिक तौर से आत्मा के मनुष्य को बुलंद बनाने की आवश्यकता है, अपने आत्मा के मनुष्य को हमें ऊर्जा देने की आवश्यकता है। कैसे? उपवास और प्रार्थना करके, सुबह की प्रार्थना करके, परमेश्वर के मुख को खोज के, बाइबल पढ़ के। कितने लोग आने से पहले बाइबल पढ़ के आए? जोर के बोला, देखो भाई नहीं पढ़ी ना, बाइबल पढ़नी चाहिए ना, और जो पढ़ के आए उनकी ताली बजाएंगे। यस, ऑनलाइन व्यूअर्स बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिएगा। हाँ, ऑल राइट, ठीक है ना। प्रभु के वचन को हमें पढ़ना है ना, प्रभु के वचन से हमें सीखना है, प्रभु के वचन से हमें और करीबी में जुड़ना है। क्यों? क्योंकि हमें उठाया जाना है, यीशु मसीह आने वाला है, हमें उठाया जाना है। दूसरी बात पर हम मनन करेंगे, उसका आगमन जो है वो देखने वाला होगा। बेटा नंदनी जल्दी जल्दी पढ़ना पढ़ना वचन, है ना, ज़करिया नबी की पुस्तक 12वें अध्याय का 10वां वचन, पीछे नहीं, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट। हर्षतम बेटा आप निकालो प्रकाशित वाक्य 1:7, हाँ ज़करिया 12:10, जल्दी पढ़ो। मैं दाऊद के घराने, हाँ? और यरूशलेम के, हाँ? निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली, हाँ? आत्मा उन्हें लूंगा, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन्हें लूंगा, ठीक है, तब वे मुझे ताकेंगे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है और जिसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। किनके बारे में बात की जा रही है? जो लोग तैयार नहीं है, जो लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं है, उनके बारे में बात की जा रही है कि वो शोक करेंगे, वो दांत पीसेंगे और वो ऐसे कहेंगे कि हमने उस परमेश्वर के पुत्र को छोड़ दिया जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जो जिसने हमारे लिए दुख उठाया। बेटा आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 1:7। प्रकाशित वाक्य 1:7, प्रकाशित वाक्य, ऐसा मनुष्य प्रकाशित है, वेरी गुड। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था। एक मिनट, कौन दूसरा बात पढ़ रहा है यहाँ पे? ऐसे मत कीजिए प्लीज, है ना, ऐसे मत कीजिए, जो से पढ़ी मन में आप पढ़ सकते हैं, जो जिसको मैंने पढ़ने के लिए बोला कोई पढ़े, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, फिर से पढ़ो बेटा। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। हाँ, हर एक आंख उसे क्या करेगी? देखेगी। प्रिय यीशु मसीह का आगमन जो है वो देख
अगर आप लिख रहे तो आप ले सकते हैं, यीशु मसीह का आगमन देखने वाला आगमन है। अगर आप और वचन चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 14वें अध्याय का 62वां वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय का 30वां वचन। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि यीशु मसीह के आगमन को हम देखेंगे। आज है ना, हम लोग जरूर जो यहाँ पे बैठे हैं, अभी प्रार्थना जब खत्म हुई, जब हम लोग उठे तो मैं किसी की ठंडी की जो भावना होती मैं देख पड़ता था किसी को ठंडी लग रही थी यहाँ पे, लेकिन हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स पता नहीं आप में से कितने लोग ऐसे में कंबल के अंदर गर्माहट में आराम से बैठे होंगे, लेकिन हमें यहाँ पे बड़ी ठंडी लग रही है और मैं तो सिर्फ शर्ट में खड़ा हूँ यहाँ पे। लेकिन प्रियो, कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे चाहे आपके घर में चाहे इस स्थान पर यीशु मसीह मौजूद है, लेकिन अनदेखा है, वो अनदेखा है, उसको देख नहीं सकते, उसको कोई आकार नहीं है, उसको कोई रूप नहीं है इस स्थान पर। लेकिन जब वो बादलों पे आएगा तब उसको हम देख पाएंगे, हम उसको अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे। और हम सबके लिए जो उसके पवित्र संत हैं, जो कलवरी कलीसिया के बचाए हुए उद्धार पाए हुए विश्वासी और भाई बहन हैं, हम सबके लिए बड़े आनंद का यह समय होगा कि हम स्वर्ग में ढल लिए जाए। हालेलुया। और इसलिए उसका आगमन जो है वो क्या होगा, देखने वाला। पहला क्या होगा उसका आगमन, शारीरिक रूप से उसका आगमन होगा। दूसरा आगमन क्या है, देखने वाला। हाँ, अब तीसरा आगमन आप लिख सकते हैं कि उसका आगमन होगा बादलों पर। बोलिए बादल, बादल। हाँ पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय का 30वां वचन, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे प्लीज, समय पर आप बर्बाद करते हुए। 24 का 30वां वचन, मत्ती 24:30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ के और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ऐसी नहीं आएगा वो झुंझला हिलाते हुए, लेकिन बड़े क्या लिखा वहां पे, ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों के, बेटा क्या लिखा वहां पे, बादलों पर आते देखेंगे, बादलों पर आते देखेंगे। यीशु मसीह का आगमन क्या है, एक बड़ा भव्य आगमन है। आप किसी भी शादी में जाएं, एक दुल्हन का और एक दूल्हे का आगमन कैसा होता है, भव्य आगमन होता है ना। उसी आगमन के लिए कि जब वो उस पंडाल में आते हैं उसके लिए कितने रुपए खर्च किए जाते हैं, सिर्फ उस आगमन के लिए। क्यों जी, नया दंपत्ति आने वाला है, नया विवाहित जोड़ा आने वाला है, उस आगमन के लिए बड़ा अच्छा तैयार है ना, वो प्रिपेरेशन वहां पे तैयारी होती है। लेकिन यीशु मसीह का जब आगमन होने वाला है उसके लिए हम जो उसकी दुल्हन है अपने आप को तैयार कर रहे हैं, कैसे, पवित्र जीवन जी के, प्रार्थना करके, हर शनिवार माफ कीजिए हर रविवार परमेश्वर की उपस्थिति में, चाहे ऑनलाइन जुड़ के, क्योंकि जब चर्च बंद है तब, जब चर्च खुला है तब, साथ जुड़कर हम लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, तैयार कर, बोलो भैया क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने भी तैयारी की हमारे लिए, कैसी तैयारी की है, वो गया है स्वर्ग में हमारे लिए घर बनाने के लिए, और वो हमारे लिए घर बना रहा है प्रियो। और इसलिए आज मैं बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, अगर आज इस संसार में दिल्ली शहर में हमारे पास रहने के लिए घर हो या ना हो, स्वर्ग में आपके लिए घर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए आपको एक रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कीमत उसकी ये है, पवित्रता और प्रार्थना और प्रचार और वचन और कलीसिया और परमेश्वर। हालेलुया, उसके साथ विश्वासियों के बने रहने की आवश्यकता है। चौथी बात पर मैं मनन करना चाहूंगा, वो ये है कि उसका आगमन का एक स्थान दिया गया है। पढ़ेंगे कौन सा स्थान है वो, हम पढ़ेंगे ज़करिया नबी की पुस्तक, जल्दी पढ़ना बेटा, ज़करिया नबी की पुस्तक 14वें अध्याय का, आप घर जाके पढ़ सकते हैं 2 से लेकर 9 तक, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे 4वां वचन। ये रे पापा लिया 14वें वचन अध्याय का 4वां वचन, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। हाँ, उस दिन वह
रखेगा, पाँव रखेगा, पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। हाँ। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच में फट कर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। यस, प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक ऐसे स्थान पर होने वाला है जब उस पहाड़ में ही बंटवारा आने वाला है। प्रिय, एक बार की बात है, एक बहुत, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ था कि एक बहुत ही बड़ा होटल, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा होटल, ठीक है, और उस होटल के मैनेजमेंट ने क्या किया ना, अपने होटल के कुछ एजेंट्स को भेजा, कहा कि उस पहाड़ पर जाओ और चेक करो कि क्योंकि हिली रीजन है, पहाड़ी जगह है, क्या हम अपने होटल को वहां पे बना सकते हैं कि लोग आए अनेक जगहों से और अच्छी वो जगह है, हरियाली वहां पे काफी अच्छी है, चेक करो एक बार जाके। एजेंट वहां पे जाते हैं और वापस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के पास आते हैं और कहते हैं मीटिंग में कि हमें नहीं लगता कि हम वहां पे अपने होटल को बना पाएंगे। मैनेजमेंट ने पूछा क्यों, उन्होंने बोला कि उस पहाड़ पर पहले से ही दरार आनी शुरू हो चुकी है। प्रियो, पता है कौन सा पहाड़ है वो? वो पहाड़ है जैतून का पहाड़, जिसके बारे में वचन हमने पढ़ा है। वो जैतून का पहाड़ है जहां पे दरार आनी शुरू हो चुकी है। कहने का एक सांकेतिक अर्थ है, समझने वाला अर्थ है कि यीशु का आगमन बहुत जल्द है, क्योंकि यीशु उसी पहाड़ पर आने वाला है और यीशु का आगमन बहुत निकट है। प्रियो, प्रियो बच्चों, चाहे आप अपने जीवन में, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं आज की सुबह, अपने आप से बात कर रहा हूं सबसे पहले कि अगर हम सब कुछ प्राप्त कर ले लेकिन स्वर्ग राज्य में हम जा ना पाए, सब कुछ फीका है। इसलिए होने पाए कि हम परमेश्वर के साथ एक असीम जीवन बिताने पाए जिससे उसके नाम को महिमा मिलने पाए। हालेलुया, आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी मुझे तेरे साथ जाने के लिए तैयार होने के लिए सहायता मदद कर। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति। प्रियो, मैं आपको बताना, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं तीन बातें आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास्टर जी ने जो इस साल का प्रॉमिस वर्ड दिया है, याद रखिएगा, आराधना हमें करनी है। सबसे पहली बात क्या है? आराधना हमें करनी है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हमें प्रेम से आत्माओं को जीतना है, तभी तो वो सो जा पाएंगे, है ना? प्रेम से आत्माओं को जीतना है। और तीसरी बात यह, स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करनी है। ये इस साल का प्रॉमिस वर्ड है, नोट डाउन कर लीजिए, घर जाके दो बेटियां नोट डाउन कर रही, आप उनसे बाद में हेल्प ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अपने सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी मुझे उस स्वर्ग में जाने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, मुझे स्वर्ग में जाने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। उस स्वर्ग में हमें जाना है पिता परमेश्वर, तेरे साथ हमें रहना है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हमें नरक की आग में नहीं जलना पिता परमेश्वर, हमें जाने के लिए तू तैयारी करने के लिए सहायता मदद कर यीशु राजा, हमें प्रेम करने के लिए सहायता कर, हमें आराधना करने के लिए सहायता मदद कर, हमें अपनी तैयारी करने के लिए सहायता मदद कर। हालेलुया, मैं चाहता हूं प्रभु, हर एक जन अपने मुंह को खोल के प्रभु से बोलना शुरू करे, प्रभु जी मेरे पापों की क्षमा कर। हर रोज बोले, प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर, मेरे पापों की क्षमा कर और स्वर्ग राज्य में मुझे जाने के लिए सहायता मदद कर राजा। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु राजा, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे।
प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं कि इस वचन से तूने हमें आशीषित किया, हम तेरे साथ स्वर्ग में आने के लिए अपनी तैयारी पूरी करने पाए, हम इस 2022 में आराधना करें प्रभु जी तेरे लोगों को जीतने के लिए, हम उनसे प्रेम करने पाए कि वे तेरे राज्य में आए और अपनी तैयारी हम स्वर्ग राज्य में आने के लिए करने पाए, हम हर एक पाप को दूर करने पाए, हर एक अधर्म को अपने जीवन से दूर करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए, उनको बढ़िया आशीष और बरकत दे। हे पिता परमेश्वर, जैसे फिर से वो प्रार्थना में जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ पास्टर रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप गायकवाड़ के साथ, उनके साथ और साथ तो रहे, उस सभा को भी तू आशीषित कर और तेरा नाम ऊंचा किया जाए पिता परमेश्वर, तू महिमा पाए, तुझे सारी महिमा और सम्मान मिले पिता परमेश्वर, आने वाला सप्ताह हर एक के जीवन के लिए बहुत बढ़िया आशीष का कारण ठहरने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। शालोम शालोम शालोम, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के नाम से।